नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बैतूल में विकास यात्रा के शुभारंभ के दौरान ही बवाल। प्रदर्शन के दौरान विधायक के ड्राइवर ने कांग्रेस कार्यकर्ता की पकड़ी कॉलर। बैतूल के आमला जिले के आमला नगर में भी भाजपा के द्वारा विकास यात्रा निकाली गयी। यात्रा में शामिल होने के लिए बैतूल स्थित निवास से विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे आमला पहुंचे। रास्ते में बंधा रोड पर वार्ड वासियों सहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। वार्ड वासियों ने सड़क पर मौजधाम की सड़क निर्माण कार्य कराए जाने के लिए प्रदर्शन किया था। वार्ड वासियों की मांग थी कि विधायक से मिलकर सड़क की यथास्थिति को दिखाया जाएगा, इसलिए सड़क पर बैठकर वार्ड वासियों ने प्रदर्शन किया। इस बीच जैसे ही विधायक योगेश पंडागरे का वाहन वहां पहुंचा, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और भाजपा के कार्यकर्ता सहित विधायक योगेश पंडागरे के ड्राइवर ने एनएसयूआई के मनीष नागले के साथ झूमा झटकी, गाली गलौज और कॉलर पकड़ ली। इस बीच कांग्रेसी कार्यकर्ता उग्र हो गए। मौके पर पुलिसकर्मी भी पहुंच गए। पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव भी किया। मौके पर ही एसडीओपी सारणी रोशन जैन और थाना प्रभारी संतोष पंद्रे भी मौजूद थे। पुलिस ने मामले को शांत कराया। बैतूल जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट।